देखिए, जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी, ये अपने आप में एक बड़ा उलझने वाला क्वेश्चन है, और इसके जवाब जब आप ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कई सारे जवाब इसके आते हैं अलग अलग। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, आपने वो एग्जाम्पल भी देखे होंगे जहां पर क्या हुआ कि किसी ने पहले जॉब की या जॉब के साथ में यूपीएससी की तैयारी की और वो आईएएस आईपीएस बना। वहीं पर आपने क्या देखा होगा कि बिल्कुल सेपरेट तरीके से यूपीएससी की तैयारी की गई आईएएस के लिए, कोई मतलब नहीं था डिग्री डिप्लोमा से, जो था वो हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग भी आईएएस आईपीएस आईएफएस बने हैं। तो आपके सामने अब यहां पर दो रास्ते आ गए कि हम किस रास्ते पे चलें। तो आपको मैं बताता हूं, ये चीज आप हमेशा याद रखना, लोगों ने क्या किया कैसे किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी क्या कंडीशन है वो चीज को अच्छी तरीके से समझिए। तो अब यहां पर मेरे कहने का मतलब केवल एक ही है कि अपनी कंडीशन समझिए, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जॉब मत कीजिए, सीधे तैयारी करो। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब पैसे की प्रॉब्लम है, आप बुक्स नहीं खरीद सकते, नोट्स नहीं ले सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पैसा खर्च होगा, कोचिंग नहीं करोगे, कोई नहीं, बुक्स खरीदोगे, नोट्स खरीदोगे, पेन कॉपी खरीदोगे, ये तो खरीदोगे। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि नहीं खरीद सकते तो जॉब कीजिए, चाहो तो जॉब के साथ में तैयारी करो या फिर पहले जॉब कर लो और इतना अपने पास इसके लिए जो भी खर्चा है उसके लिए इतना पैसा रख लो कि कोई दिक्कत ना आए। तो दोनों एग्जाम्पल के लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, इसलिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ए नहीं तो ए कर लिया, मैं नहीं बनूंगा। आप दोनों में बनेंगे, चाहे तो डिग्री डिप्लोमा से कोई मतलब नहीं है, नौकरी से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ तैयारी करें, या चाहे तो फिर जॉब के साथ में तैयारी करें। तो इसलिए अपनी कंडीशन को समझो, लोग हर तरीके से बनते हैं, आप जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी से बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी कंडीशन को देखो और फॉलो करो। लेकिन जो यूपीएससी के लिए मेजर चीज है, देखिए आपकी कंडीशन क्या है यूपीएससी के लिए मतलब नहीं है, यूपीएससी के लिए एग्जाम में क्या चाहिए कि वहां पर आप जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो उनको सॉल्व करके आओ, वो चाहिए। अब आप सॉल्व चाहे नौकरी करके कर लो या आप केवल घर पे बैठ के कर लो, ये आपकी मर्जी अपनी है, आपकी अपनी स्थिति है, तो इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है। जैसी आपकी कंडीशन है उसी कंडीशन में आप अपनी तैयारी करें।